everyone, welcome to my channel. I am Joe and today's video is gonna be such an interesting one because I'm going to color my hair at home all by myself. I'm going to change my hair color to somewhere red or burgundy maybe. We'll check that out. Mujhe black color बहुत बोरिंग लगते हैं तो मैं कभी ब्लॉन्ड कभी एश ब्राउन आई हैव ऑलवेज कलर्ड माई हेयर. मेजर रीजन ऑफ कलरिंग माई हेयर इज ऑल्सो बिकॉज आई हैव गॉट लॉट ऑफ ग्रेज. नाउ टॉकिंग अबाउट हेयर कलर, वेन एवर आई विजिटेड सैलॉन एंड आई हैड टू पे 5,000 to 6,000 बक्स फॉर अ नॉर्मल ग्लोबल हेयर इज सच अ बमर बिकॉज ऑल ऑफ दैट यू कैन ईजिली डू एट योर होम. वेन एवर यू गो टू अ सैलॉन यू नो दैट दे गिव यू ट्रीटमेंट और वो आपको 30-40 मिनट के लिए छोड़ देते हैं जब तक आपका हेयर कलर इज गेटिंग डन. सो उस टाइम पे आई ऑलवेज ट्राई टू चैट विद द स्टाइलिस्ट कि कौन सा प्रोडक्ट यूज़ किया है, कौन से शेड्स मेरे पे यूज़ किए हैं, बस वॉश करने के बाद भी व्हाट ऑल प्रोडक्ट दे आर यूजिंग ऑन मी सो दैट आई कैन ईजिली बाई एंड डू इट बाई माई सेल्फ. सो या DIY is always a great way to get something as per your preference and at a very reasonable price. And that's the motive of this video, to let you know how you can color your hair all by yourself at home and at a dramatically low price. So without further ado, let's get started. Hair color karne ke liye obviously you need to wash your hair. किसी भी तरीके का शैम्पू आप यूज़ कर सकते हैं, जस्ट दैट योर हेयर शुड बी फ्री फ्रॉम डर्ट ऑयल. दिस इज़ माई नेचुरल हेयर. कोई भी स्टाइलिंग प्रोडक्ट लिव ऑन वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करना है, जस्ट वॉश करना है, टॉवल ड्राई करना है, उसके बाद अगर आप उसे नेचुरली सूखने देना चाहते हैं दैट्स ऑल्सो गुड, या आपको उसे ड्रायर से सुखाना है इवन दैट इज़ फाइन. The next thing you're gonna need is an old t-shirt because color करना is a messy process. Try and apply ऑयल उन एरियाज में जो स्किन के बहुत क्लोज हैं, इस एरिया में और आपके नेक के पास यू कैन अप्लाई लिटिल ऑयल सो दैट अगर आपका हेयर कलर यहाँ तक या यहाँ तक लगता भी है तो वो आपकी स्किन को इम्पैक्ट नहीं करेगा. फर्स्ट टाइम मैंने हेयर कलर ट्राई किया था वॉज टू कवर माई ब्लॉन्ड बिकॉज उस टाइम मेरे पूरे हेयर वॉज लाइक वो ब्लीच किए हुए हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक. सो वॉट आई डिड वॉज नेचुरल कूल कवर 7.1 विच इज एश ब्लॉन्ड कलर. I did that on my lens. This is the color that I got. It still faded away because I remember I did this in the month of January. Shade number 4 tak aapko dark shades milenge. You can do number 1, 2, 3, 4. Any color, basic color from Majoril and you can apply it on your roots. That will also cover your grays. Now if you go for lighter shades like number 5, 6 or 7, वो आपके ग्रे कवर बिल्कुल नहीं करेंगे. लिए अपने हेयर पे ब्लॉन्डर यूज़ करना पड़ेगा या एक ब्लीच यूज़ करनी पड़ेगी दैट यू कैन ईजिली गेट फ्रॉम मार्केट. आई वुड रेकमेंड ब्लॉन्डर बाय मैजोरल. इस पे सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं कि आपको कैसे मिक्स करना है डेवलपर के साथ, किस रेशियो में मिक्स करना है. उसको पहले आप पूरे हेयर पे लगाएंगे लीविंग द रूट्स और आफ्टर लाइक 15 or 20 मिनट्स यू वुड सी आपके पूरे हेयर ब्लॉन्ड हो गए हैं. अब वो एक बेस है, इसके ऊपर अगर आप कोई भी लाइट शेड चढ़ाएंगे, लाइट ब्लॉन्ड, एश ब्राउन, एश ब्लॉन्ड, वो कलर ब्यूटिफुली आएगा एज कम्पेयर टू ब्लैक और डार्क ब्राउन. अगर आपका बेस है यानी आपने कभी कोई कलर यूज़ नहीं किया है तो उस पर कलर ज़्यादा शो नहीं होगा. सो मेक श्योर दैट आइदर यू गो फॉर अ ब्लॉन्डर और ब्लीच और यू ट्राई एंड यूज अ डेवलपर विच इज़ विद हाई वॉल्यूम. दिस इज लॉरियल पैरिस ऑक्सीडेंट क्रीम एंड दिस इज 30 volume 9%. वॉट वी नीड इज अ कलरिंग किट. ये आपको अमेजोन या फ्लिपकार्ट से मिल जाएगी. एक मिक्सिंग बोल चाहिए, आपको एक विस्कर चाहिए जिससे आप कलर को मिक्स कर सकें. देन यू नीड कलरिंग ब्रश एंड अ कॉम्ब. दिस इज 2-in-1. इसमें कॉम्ब और ब्रश दोनों हैं सो इट हेल्प्स. नाउ कम्स द डेवलपर. एज आई सेड आई एम गोना बी यूजिंग 30 volume 9% बिकॉज मुझे 3 से 4 शेड्स लिफ्ट करने हैं. तो मुझे शेड नंबर 5 पे जाना है और मेरा नेचुरल हेयर रूट कलर इज नंबर 2. तो मुझे 3 शेड्स लिफ्ट करने हैं, दैट मीन्स मुझे 30 volume 9% चाहिए. सो लेट्स सी, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू डू इट ऑन माय हेयर एंड शो यू द लाइव रिजल्ट्स. नाउ फॉर द लेंस आई हैव टेकन 5.6. नाउ मेजी रूट इज अ कलेक्शन इन विच यू विल गेट कलर्स लाइक रेड्स, ग्रीन्स, पर्पल्स, ब्लू, येलो. ये सारे कलर्स की आपको बहुत ही क्वर्की स्टाइल और लुक चाहिए
5.62 is Magic Rouge. And the ratio for Magic Royale color is always 1:1.5. मतलब अगर आप 50 ग्राम की ट्यूब ले रहे हैं, आप उसके अंदर डेवलपर डालेंगे 75 ग्राम. बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, अगर आपने एक पार्ट कलर का लिया है तो आपको डेढ़ पार्ट डेवलपर का लेना है, उसको मिक्स करना है एंड जस्ट गो फुल थ्रॉटल. दैट्स व्हाई आई हैव गॉट टू ट्यूब्स ऑफ 5.62, बिकॉज जो मेरे हेयर की लेंथ है उसमें दो ट्यूब्स लग जाएंगी. ये एक ट्यूब 50 ग्राम की है, मैं 100 ग्राम कलर यूज कर रही हूँ. अब इस 100 ग्राम कलर में मुझे 150 ग्राम डेवलपर मिक्स करना है. मैं अच्छे से इसको विस्क करूंगी सो दैट एवरीथिंग इज मिक्स्ड प्रॉपरली. आपको ये मूसी लाइक टेक्सचर मिल जाए. And all I'm gonna do is apply it on my lens. एक चीज जो मैंने नहीं बोली, ऑलवेज यूज ग्लव्स बिकॉज दीज कलर्स आर वेरी हार्श एंड दीज आर ऑल केमिकल्स. ऑल्सो जब आप इसको अप्लाई कर रहे हैं, प्लीज मेक श्योर कि आपकी आईज में ना जाए या आपके माउथ में नहीं जाना चाहिए. प्लीज बी वेरी कॉशियस अबाउट इट. It's covered my pre-lighted hair, as in no, pre-colored hair. Can't see much difference on my dark hair. I think that's what iridescent color means. It just gives you reflection. With that, I would like to say you need to keep this in mind. Agar aapke virgin hair hai, dark hair color hai, toh you can expect only a reflection of red, like you see on my scalp. एंड अगर आपके प्री लाइटेड हेयर है ब्राउन ब्लॉन्ड तो उस पर ये कलर आएगा इफ यू यूज द शेड 5.62. एंड टू माई सरप्राइज आई वुड लाइक टू टेल यू दैट इट्स कवर्ड माई ग्रेज एज वेल. सो आई हैव लाइक 1 to 2 inches फ्यू ग्रे हेयर इन द मिडल सो यू कांट सी दैट. इवन आई कांट सी दैट. If you have hair length like me, वो अच्छे से use करना है कि आपको कम ना पड़े. एकदम एक एक strand पे color चढ़ जाए तो you would require at least 3 tubes. I use 2 tubes on my hair. तो कहीं पर मुझे लगा कि inside when I wanted to just add the color, वहाँ मुझे कम पड़ गया. But if you use 3 tubes, you will be sorted. As I've used Magic Rouge, and this collection is little rare. You may find it on Amazon or Flipkart, but this
particular Magic Rouge shade I found on this website called Heckmo. And it's legit. I just gave it a try. I bought it within 3 days, I guess. The delivery was super fast. And I'm sure this will be easy. It's a little messy. Like you saw, my t-shirt is ruined. But that's good. I mean, if you can get this without visiting salon and shedding 4 to 5K, I'm sure you're gonna love this. And that's all for today's video, guys. Do give it a thumbs up if you liked it. Subscribe to my channel if you haven't already. Like, share, comment, all of that. I'll see you in my next one. Till then, bye.